फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इन पॉइंट ऑफ फैक्ट क्या है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, इन पॉइंट ऑफ फैक्ट का मतलब होता है हकीकत में या दरअसल या वास्तव में। यानी इन पॉइंट ऑफ का इस्तेमाल आप एक्चुअली की जगह पर करते हैं। जहाँ जहाँ आप एक्चुअली बोलते हैं वहाँ वहाँ आप इन पॉइंट ऑफ फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, एक्चुअली मतलब वास्तव में या हकीकत में या दरअसल। ये इन सभी बातों को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि दरअसल वह उसकी सौतेली माँ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन पॉइंट ऑफ फैक्ट सी इज हिज स्टेप मदर। यानी हकीकत में वह उसकी सौतेली माँ है। हकीकत में आजकल उसके पास पैसे नहीं हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन पॉइंट ऑफ फैक्ट ही हैज नो मनी दिस डेज। यानी हकीकत में आजकल उसके पास पैसे नहीं है। हकीकत में वह जख्मी था या दरअसल वह जख्मी था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन पॉइंट ऑफ फैक्ट ही वॉज इन। यानी हकीकत में वह जख्मी था। हकीकत में आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। इन पॉइंट ऑफ फैक्ट यू डोंट शेयर माय वीडियोस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इन पॉइंट ऑफ फैक्ट का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो दरअसल या वास्तव में या हकीकत में, तो आप इन पॉइंट ऑफ फैक्ट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कांसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।